नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो लैपटॉप है मेरा, इसकी जो बैटरी खराब हो चुकी थी, जो 80% से या 85% से ऊपर चार्ज नहीं हो रही थी और उसका बैटरी बैकअप भी बहुत कम हो चुका था। तो ऐसी कंडीशन में उसमें ज़्यादा ट्रिके अनजाने सोचा, सीधी सीधी बैटरी रिप्लेसमेंट आपको करनी ही पड़ती है। यही कंडीशन है, अगर 40% 50% कहीं स्टक हो जाती है, बार बार जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनको ट्राई करने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आपकी बैटरी रिप्लेसमेंट मांगती है। तो मेरी जो बैटरी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने इसको, ये वाली जो बैटरी है यहाँ पे देख सकते हो, ये एसर की ओरिजिनल बैटरी है, ठीक है। इसको मैंने इस लैपटॉप से निकाला और इसको रिप्लेसमेंट कर दिया। कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, सारी कहानी मैं बता दे रहा हूँ। इस बैटरी को जो मैंने टेस्ट किया है, लगभग 1 महीना मुझे हो चुका है, 1 महीने से ऊपर ही हो चुका है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कहाँ से, कौन सी वेबसाइट से मंगाया है, मैं आपको लैपटॉप पर चल के बता दे रहा हूँ कैसा रिव्यू रहा और कैसा रहा, ठीक है। तो इससे पहले जो इंस्टॉलेशन वीडियो है, मैंने इसको इंस्टॉल कैसे किया था वो भी आप देख लीजिए। तो बैटरी बदलना कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, सिर्फ मैंने इसको खोल लिया है और यहाँ पर ये टूल ले लिया है। ये टूल आपको नॉर्मली 50-60 रुपये में नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा। और ये मेरी हालत देख सकते हो, उसके टूल की काफ़ी टूटा हुआ है, लगभग 5-6 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी एकदम फंटास काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सारे सारे इसके जो भी बटन्स हैं, सॉरी जो भी वोल्ट्स हैं, मैं इसके सारे सारे खोल ले रहा हूँ। उसके बाद जो खोलने के बाद का प्रोसीजर मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया है इसमें, ठीक है। तो इतने सारे स्क्रूज खोल लिए, अब देखो इसके हार्ड डिस्क के स्क्रू और ये सारी मैंने खोल ली, बहुत सारे स्क्रूज में थे। अगर आपको खोलने में कोई दिक्कत होती है तो 10-20-50 रुपये देके मैकेनिक से भी करा लेना, वैसे मेरे लिए नॉर्मल काम है, इजीली खुल जा सकते हैं। अपना जो भी लैपटॉप का मॉडल होता है, आप उसका मॉडल नंबर डाल देना नेट पे और यूट्यूब पर सारा ट्यूटोरियल मिल जाता है कि हाउ टू रिप्लेस फलाने जो भी मॉडल होता है बैटरी, उसकी मिल जाएगी आपको। अब इसकी जो रैम है, रैम बड़ा ईजी होता है निकालना, जैसे इसको यहाँ पे करो ऐसे करके बाहर आ गई, ऐसे ही अंदर रख देते रहे। यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है, इसको हार्ड डिस्क को यूं किया और हल्के से ऊपर उठाया और इसको बाहर निकाल दे, ठीक है। अब इसको जो पैनल है, मैं इसको यहाँ से उसको बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सिंपल भाई लोग, मैंने इसको खोल लिया, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका सीपीयू जीपीयू और के फैंस। अब यहाँ पे देखिए, मेन बैटरी हमारी ये रही और ये है एसर की AC B14 B8 के, ये मॉडल नंबर, ठीक है। अभी इसके मैंने पेच खोल लिए हैं और इसको यहाँ से नॉर्मली आपको जो अपना जो लैपटॉप है उसको ऑफ करने के बाद उसको बाहर निकाल लेना। सिंपली इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये जो बैटरी इसमें आई थी, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग थोड़ी देर पहले कर ली थी। अब मैं इसको, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी, इसके अंदर बबल्स लगे हुए थे जिससे इसमें कोई डैमेज होने का कोई खतरा नहीं था। अब देखते हैं इसको बाहर निकाल के, ठीक है। तो ये बैटरी आई है टेकी स्टोर से। अब यहाँ पर मैं देख सकते हो आप खुद ही, यहाँ पर TC AC 14 B8 के मॉडल लिखा हुआ है जो मैंने टाइप करके मंगाया था। ऐसे ही यहाँ पर जो ओरिजिनल वाली है उस पर भी सेम मॉडल यहाँ पर मेंशन हुआ है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। दोनों का मॉडल नंबर मैच हो गया, मतलब बैटरी भी मैच 101% हो ही जाएगी। काफ़ी अच्छी बैटरी है और दिखने में भी है। इसका बैकअप वगैरह मैं देख के बताऊंगा आपको कैसा इसका लगता है। मैं इसको फटाफट से इसमें फिट कर दे रहा हूँ और फिर बताता हूँ उसको ऑन करने के बाद क्या हाल है। ओके गाइस, तो ये सारे स्क्रूज मैंने फिट कर दिए, पूरा फिट कर दिया और ये रही ओरिजिनल बैटरी जो अब किसी काम की नहीं है। ये देखिए सर की तरफ से आई है। अब इसको मैं इस वाले पैकेज में डाल दे रहा हूँ और आपके सामने ही इसका जो है, एक तो कैमरा पकड़ना बहुत दिक्कत हो जाती है यार, इसको बूट करते हैं, हो गया बूट। तो इंस्टॉल वाली वीडियो देख ली, अब मैं चलता हूं लैपटॉप पे। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट है टेकी स्टोर डॉट इन,
ये डॉट इन का मतलब समझ लीजिए अपनी इंडिया की वेबसाइट है, कोई बाहर की वेबसाइट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अब आपको जो बैटरी का मॉडल नंबर होता है, जो कि मैंने बताया था, बैटरी का मॉडल नंबर यहाँ पे देखो सबके सामने मेंशन रहता है। यहाँ पर देखो यहाँ BA समथिंग जो 14 8 के लिखा है, AC, ये आप देख सकते हो यहाँ AC14B8 के, ठीक है। ये मॉडल आपको अगर बैटरी चाहिए तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे AC14B8 के, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पर सर्च ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, जो भी बैटरी होगी। अब मैं इसको न्यू टैब में कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। जो भी बैटरी होगी जो कंपेटेबल होगी वो आपकी यहाँ पर बैटरी, ये वाली जो है देखो सेम टू सेम वैसी बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हो मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप कंपेटेबल कर सकते हो। अभी मेरे इसमें मंगाई थी, और कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे लैपटॉप में काम करी कि नहीं करी, क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं काम करे नहीं, मेरे रुपए चले जाए, तो आप यहाँ पर एक व्हाट्सएप का यहाँ पर आइकन आ रहा है इस वेबसाइट पे, इस व्हाट्सएप पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपने जो भी अपना व्हाट्सएप होगा उसका नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से इसको डायरेक्टली इसको चैट भी कर सकते हो, और जो भी क्वेरी होगी, मान लीजिए बैटरी कंफर्टेबल हुई नहीं हुई, तो मॉडल नंबर बता देना, भैया जो भी उधर होंगे व्हाट्सएप पे जो इनके केयर वाले हैं वो आपको सब कुछ बता देंगे, इतने की है और इतने की, जो भी डील होगी वो आपको सामने यही मिल जाती है। साथ ही साथ इस वेबसाइट पे लैपटॉप बैटरी आप चाहें तो मॉडल नंबर के साथ साथ, या आप ब्रांड के हिसाब से LG, सोनी, तोशिबा, जरूरी नहीं बैटरी ही लेनी हो, मान लीजिए चार्जर खराब हो गया तो लैपटॉप चार्जर कौन से ब्रांड का लेना है सिलेक्ट कर लेना। नेटवर्किंग में या कूलिंग स्टैंड चाहिए जो आपको लैपटॉप को कूल करना है, मैं तो अभी इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं लैपटॉप का स्टैंड जरूर यूज़ करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अभी मैंने इसको नॉर्मल ऊपर से ला के रख लिया था, तो ये वाला बहुत अच्छा है, नॉर्मली है। और जैसे आपको रैम अपग्रेड करनी है, फिलहाल फ्यूचर में मैं रैम अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ रैम कहाँ से अपग्रेड होती है, सारी सब कुछ आपको बता दूंगा। और फिलहाल मेरा जो लैपटॉप है 8 GB चल रहा है, इसको 16 GB अपग्रेड करने वाला हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको बता दिया है, और SSD भी इसकी अपग्रेड करूंगा, जब करूंगा तो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो रैम आपको लैपटॉप की चाहिए, डेस्कटॉप की चाहिए, या SSD चाहिए, वो सारी सारी जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एसेसरीज जो भी चाहिए, कीबोर्ड, पावर बैंक, XYZ, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो यहाँ पे इस पे आपको दे सकते हैं। अब मेन बात आती है कि मान लीजिए इस वेबसाइट से क्यों खरीदें, दूसरी वेबसाइट से तो है, देखो दूसरी वेबसाइट से मैं उनको खरीदने की मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए अमेजोन पे जाओगे तो अमेजोन पर आप क्या टाइप करोगे, एसर टाइप करोगे, और आपका लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो टाइप करोगे, वहां पर बैटरी लुक अलाइक तो मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल बैटरी क्या पता हो या ना हो। आपने देखा होगा कि फर्स्ट कॉपी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है, किसी भी चीज़ जैसे आईफोन ले लिया, किसी भी चीज़ की सही फर्स्ट कॉपी हर चीज़ की अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या पता उस चीज़ की गारंटी है या नहीं है, और आजकल अमेजोन पे सिर्फ सेलर की गारंटी आप देखते ही हो, कोई चीज़ खरीद लोगे उसके बाद फिर अपना कुछ भी करो, ब्रांड वारंटी जो होती है वो नहीं मिलेगी इसकी। जो एक्चुअल मैं गया था, आगरा गया था, वहाँ पर इसकी मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे लगभग इनका बिल बताया था 9,000 रुपये की बैटरी रिप्लेसमेंट का। तो मैंने कहा यार बैटरी 9,000 रुपये की रिप्लेसमेंट इतने करेंगे तो हो गया काम मेरा। तब मैंने इनकी जो वेबसाइट है इसको ट्राई किया, और 1 महीने के बाद मैं कह सकता हूँ मेरा जो 3,499 रुपये मैंने खर्च किया वो बिल्कुल सफल रहा, किसी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं हुई। रात रात भर मैंने चलाया इसको, रात भर लैपटॉप रात रात भर लगा रहा चार्जिंग पे, कि मैंने हो सका बाई चांस रात में बैटरी फूल गई तो क्या होगा। तो इसके लिए मैंने इसकी बैटरी को लगभग 1 महीने इसको चेक किया। अब मैं दिखा दे रहा हूँ मैंने कहाँ पे खरीदा था, ऑर्डर डेट देखेंगे। अब आप ऑर्डर डेट देख लीजिए, 8 अक्टूबर 2022 को मैंने खरीदी थी, और आज है 22 नवंबर 2022। ये देखिए मेरे पास आ गई थी लगभग, ये तो 10 अक्टूबर को शिप हुई थी, 12 या 13 तारीख में आ गई, ठीक है। तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा है मैंने इसको यूज़ किया है, तब मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं नहीं चाहता मैं किसी भी ऐसी वेबसाइट का प्रमोट करूँ जो आप लोगों के लिए दुखदाई हो जाए, बाद में मुझे गाली खानी पड़ने। तो इसके लिए मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर इनका व्हाट्सअप कस्टमर केयर है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो एक बार आप लें या न लें लेकिन एक बार विजिट जरूर कर लें, और आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश करता रहूँगा वीडियो जल्दी जल्दी आपकी लाने के लिए,
मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।